उसकी बैटरी लो हो गई अभी से। डी रोड गए तो मुझसे बस में डाल लो। ये देखिए ये मिला डोंगी 28 किलोमीटर दूर। भाइयों कैसे हैं आप लोग, आई होप सब बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। तो आ गए हम एक नई वीडियो के साथ और आज की वीडियो भाई काफ़ी अच्छी होने वाली है क्योंकि यार आज हम जाने वाले हैं ट्रिप पे अपनी। ये मेरी YouTube की पहली ट्रिप होगी जो मैं जाने वाला हूँ और थैंक्स फॉर 1K फैमिली कंप्लीट हो गई हमारी, तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने के लिए, आप सभी का दिल से बहुत शुक्रिया। और अभी हम जा रहे हैं नैनीताल और नैनीताल से पहले जाएंगे हम हनुमान धाम, रामनगर में पड़ता है वो, रामनगर से हम जाएंगे फिर नैनीताल से थोड़ा आगे कैची धाम और मेरे साथ जा रहा है मेरा दोस्त आकाश और हम दोनों साथ में आएंगे और हम दोनों के ये हेलमेट्स वगैरह रखे हैं। तो हम जल्दी से यहाँ पे फ्यूल हमने भरवा लिया, यहाँ पे एयर भरवा रहे हैं बट यहाँ इसमें टाइम लगेगा तो यहाँ से जाना पड़ेगा, रास्ते में कहीं भरवा लूँगा। तो मिलते हैं रास्ते में, हमें पड़ेगा काशीपुर एंड काशीपुर के बाद हमें पड़ेगा रामनगर और रामनगर से थोड़ा मतलब रामनगर में एंटर होते ही विजया देवी मंदिर है, उससे पहले ही पड़ता है हनुमान धाम, तो वहीं पर जाएंगे सबसे पहले हम क्योंकि वहां के पार्ट सबसे पहले खुल जाते हैं, तो वहीं पर जाएंगे सबसे पहले। देन उसके बाद हम जाएंगे नैनीताल से होता हुआ कैची धाम। तो भाई बने रहे वीडियो में और मैं मिलता हूँ थोड़ा सा आगे आपसे। तो काशीपुर आने वाला है यहाँ से, यहाँ से कंटिन्यू चीज नहीं 15-10 किलोमीटर रह गया है और अभी से यहाँ से ना पहाड़ों का व्यू जो है थोड़ा थोड़ा दिखने लग गया आगे, आपको कैमरा में शायद नहीं दिख रहा होगा बट मुझे यहाँ से दिख रहा है क्लियरली, सामने पहाड़ है और ग्रीन ग्रीन यहाँ आसपास हो रहा है, बहुत सही मौसम हो रहा है और वैसे देखने में सनी वेदर है बट यार ठंड बहुत ज़्यादा है, बट नॉर्मली फिर भी कपड़े में बहुत ज़्यादा पहन जा रहा हूँ आज लग के टाइम, तो बहुत सही चल रहा है मौसम। तो अभी यार काशीपुर जाने से पहले या फिर काशीपुर पे कहीं हम रुकेंगे, वहाँ पे खाना ना खाएंगे, बहुत ज़ोर से भूख लगी इसलिए हम लोगों ने कुछ खाया नहीं है, तो खाना खा के फिर हम ऑन द वे अपने वहीं चलेंगे, पहले जाएंगे रामनगर और वहाँ पे स्टे करेंगे, हनुमान धाम जाएंगे, थोड़ा मस्ती भी कर लेंगे, वीडियो क्लिप वगैरह अगर बना लेंगे अगर टाइम मिला तो हमें, तो जल्दी से हम कोई अब ढूंढने यार कहाँ फूड स्टॉल मिल जाए हमें और तो वहीं पर हम खाना खाएँगे। ये देखो बाबा का आ रहा है हॉर्न भी, तो ये गर्म इतने हैं हंसते हुए आ रहे हैं, हैरत करने का जॉब है। तो अभी हम आए हैं टी स्टॉल, यहाँ पे चाय बन रही है हमारी तैयार हो रही है, तो थोड़ा सा आगे फूड स्टॉल मिल जाएगा हमें तो वहाँ पे हम खाना वाना खाएंगे और निकल जाएंगे। तो अभी हालत देखो कैसी हो रही है, ये हेलमेट पहनने का असर है भाई, हेलमेट पहनोगे तो कुछ, हेलमेट अपने ये रखे हैं एक एक यहाँ है पूरे गुमनाम बेनाम वहाँ पर है, ग्लव्स भी रखे हैं वहाँ पे, तो हेलमेट पहन के देखो क्या फील होता है। खैर चलो जो भी है अभी खाना वाना खाएंगे थोड़ा पेट वेट भरेंगे उसके बाद फिर यहाँ से जाएंगे हम लोग। तो ये चाय आ गई, वैसे मैं चाय पीता नहीं हूँ बट यार पहाड़ी इलाके में चाय पीने का मज़ा अलग है। चलो भाई यस ये डुबा दे इसमें, चलो चाय पीते हैं फिर मिलते हैं लंच के बाद या लंच से पहले। भाई नाश्ता हम लोगों ने कर लिया है और अब चलते हैं अपनी मंदिर की तरफ, तो धूप अच्छी निकल रही है और काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा है घूमने के बाद, मेरे पहले थोड़ा ठंडा ठंडा फील हो रहा था और अब थोड़ा नॉर्मल फील हो रहा है, देखते हैं वहाँ का टेम्परेचर क्या रहता है, हो पाता नहीं हो पाता। अभी तो यार हम काशीपुर में हैं, चलो तो जल्दी से जल्दी कवर करेंगे, अभी तो यार लोकल एरिया था यहाँ पे ज़्यादा स्पीड नहीं दूंगा। हनुमान धाम भाई, तो ये रहा हनुमान धाम और गेट से मैं अंदर जा रहा हूँ अभी, तो भाई कितना प्यारा लग रहा है यार, बहुत ही बढ़िया, मतलब जितना सोचा था वीडियो में जितना देखा था उससे कई गुना
अच्छा है और यहाँ पे बहुत एनर्जेटिक वाइब्स आ रही हैं, मतलब एंट्री करते ही अलग सी ऊर्जा एक फील हो रही है मुझे। और ये हमारे आकाश भाई पहले आ गए यहाँ पे, बातें कर रहे हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ मंदिर। एक्चुअली क्या है भाई, मंदिर के अंदर एग्जैक्ट अंदर जहाँ मूर्ति है वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है, बट बाहर वीडियोस बना सकते हो, फोटो क्लिक कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो मेन गेट यही है और मेन मंदिर अपना यही है, तो मैं दिखाऊंगा अंदर क्या क्या है। पे एक यहाँ पे मंदिर है और वहाँ पे कॉर्नर पे एक मंदिर है, मैं दिखा देता हूँ। अंदर नहीं जा सकता क्योंकि अंदर अलाउ नहीं है। ये यहाँ पे भोलेनाथ का मंदिर है, भोलेनाथ माँ पार्वती, और सामने नंदी जी बैठे हैं। तो मैं अंदर नहीं ले जाऊँगा, बस यहाँ से आपको दिखाऊंगा क्योंकि अलाउ नहीं है, क्या फ़ायदा। और एक मंदिर यहाँ पर है, माता रानी का मंदिर है ये, तो काफ़ी भक्ति भाव से लोग यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं। और ये दो वहाँ एंट्रेंस था और यहाँ एग्जिट गेट है, और एक एंट्रेंस और है राइट साइड में, आपको दिखाऊंगा। और ये रहा एंट्रेंस, और अभी खाली होने वाला है यहाँ से, आई मीन मतलब मंदिर बंद होने का टाइम होने वाला है, तो लोग जल्दी जल्दी दर्शन करें यहाँ से। तो चलते हैं। और भाई यहाँ का जो व्यू है, ये सब छोड़ो, व्यू देखो आप सामने, मतलब इतना ग्रीन ग्रीन हरियाली हो रही है कि भाई यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा। बट यार हमें जाना पड़ेगा, हमें यहाँ से नैनीताल जाना है। नैनीताल से थोड़ा आगे कैची धाम पड़ता है, हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पे भी, एक प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर, तो वहाँ पे भी जाना है। व्यू देखो आप, मतलब यार इतना अच्छा व्यू है कि कोई भी आराम से यहाँ पे यार ज़िंदगी गुजार सकता है अपनी। ये देखो यहाँ पहाड़ है, आपको शायद दिख रहे हो नहीं दिख रहे हो, बट यार मुझे जो दिख रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो लड़का खड़ा है वहाँ पे, मेरा दोस्त आकाश, उसे बहुत जल्दी हो रही है कि चलो चलो चलो, तो हम जल्दी से दर्शन करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं, आपको अपडेट देता रहूँगा मैं, तो बने रहें वीडियो में। तो यहाँ से अब जाने का टाइम आ गया, तो यहाँ से जाने का टाइम आ गया है अब, तो हम निकल रहे हैं। और ये आगे आगे भागता है हमें, तो भाई ये रहा, तो यहाँ से हम जा रहे हैं, ये यहाँ का गेट, और हम यहाँ से जा रहे हैं। अपनी जेविल अपनी थोड़ी आगे खड़ी है, तो अभी भूख लग रही है यार, हमने खाना तो खा लिया था बट दोबारा भूख लग रही है, क्योंकि यार काफ़ी मेहनत कर ली। गाड़ी मैंने चलाई थी, उसने गाड़ी नहीं चलाई थी भाई, गाड़ी मैंने चलाई थी। तो एक बार और कर लेते हैं, जय श्री राम। काश भाई से कहना पड़ता है अच्छे अच्छे काम करने के लिए, कितना खुश हो रहा है देखो, तो कह के करवाया था हम, चलो कह रहा था सही अब ये गुस्सा कर रहा है, जैसे मैं कैमरा ऑफ करूँगा तैर तैर कर देगा। पकड़ो फिर एक ढाबे पे, तो खाना खाने रुके हैं यहाँ पे, जो ऑर्डर कर दिया खाना आ रहा है अभी। तो ये देखो इसकी बैटरी लो हो गई अभी से, ये का नहीं छोटा भाई का, सब कुछ छोटी है बट ये का नहीं छोटा। तो अभी यहाँ पे कुछ खाएंगे, घर पे खाएंगे, बहुत ज़्यादा तेज भूख लगी, बहुत ही ज़्यादा, अब खाना खा के फिर निकलते हैं यहाँ से। तो खाना तो हम लोगों ने खा लिया है, अब चलने की तैयारी हो रही है। तो बहुत देर से यहाँ से आवाज़ आ रही थी बकरियों की, मैं सोचा थोड़ा मिल जाऊँ। अरे यार जैसी दिखने वाली बकरी, हाँ तू, मैं ना तू क्या ना भाई काटने की ना हो रही, क्या काटना आ रही, हाँ रूट गई तू मुझसे, रूट जा हट में जा रही हूँ।
तो भाई मैं रास्ते में जा रहा था और मुझे ये देखिए ये मिला, कल दूंगी 28 किलोमीटर दूर। तो भाई पता नहीं क्या देगी, बट अगर किसी को लेना हो कल तो 28 किलोमीटर दूर यहाँ से जा सकते हो और कल दूंगी ले लेना। तो भाई ये नैनीताल का रोड आ चुका है और जो सबसे प्यारा मुझे रोड लगता है नैनीताल का रोड लगता है। यहाँ के जो टर्न्स हैं मुझे बहुत ही सेक्सी लगते हैं भाई, कॉर्नरिंग करने का अलग ही फील आता है। और राइट देखो, राइट साइड में इसका रोड हो गया और लेफ्ट साइड में इसका व्यू हो गया। तो भाई पहाड़ी पहाड़ दिखते हैं यहाँ से, तो बहुत ही गजब का है। अभी थोड़ा सा जंगल टाइप का है, तो वैसे तो जंगल पूरे रोड ही रोड है, बस कहीं कहीं आपको देखेंगे। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि जब ये कहीं कहीं ऐसा होगा पहाड़, मतलब यहाँ पे पेड़ नहीं होंगे, तब आपको मैं व्यू दिखाऊंगा, व्यू देखना है। और अभी आप रोड का मजा लो, मैं भी रोड के मजा लूँगा, तो ज़्यादा बात नहीं करते, इंजॉय करते हैं खाली। तो आपको थोड़ा सा इसका व्यू दिखा देता हूँ ऐसे ही बैठे बैठे, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा व्यू उसका सेक्सी लग रहा है। ये देखो भाई साहब, मतलब कितना बढ़िया लग रहा है। अभी तो हम नैनीताल पहुँचे नहीं है, तब का ये सीन है। अभी थोड़ा यहाँ पे यार हमारा बिल्कुल कान सुन्न हो गए दोनों के दोनों। क्या करने जा रहे हैं भैया? तो एक्चुअली हम थोड़ा सा स्टे करने के लिए रुके, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई है, अब हाथ पूरे यार जम, ऐसा लग रहा है मतलब जम से गए। तो मैंने सोचा आपको थोड़ा व्यू और दिखा दूँ यहाँ का। ये देखो स्वर्ग है भाई, स्वर्ग। तो भाई ये देखो कितना कीड़ा मौसम हो रहा है, वहाँ पे देखो बादल हो रहे हैं। जो पहाड़ है आगे वाला, सामने वाला जो पहाड़ है, बादल वहाँ ढके पड़े हैं, पूरा पहाड़ वो बादलों से ढका हुआ है। तो बारिश होने की बहुत चांसेस है आगे। और ये यहाँ पे ग्रीन ग्रीन, और वहाँ पे आप देख रहे हो वो जो पहाड़ है वो वाला, वहाँ पे धूप पड़ रही है, यहाँ पे बादल है, वहाँ पे धूप पड़ी हुई। रोड है जहाँ से हम आए हैं, ऐसे ऐसे जा रही लहर नागिन बनी पड़ी हुई।
गाइस ये देखो ऊपर, तो ये पूरा पहाड़ कवर हो गया है बादलों से, देख रहे हो। चलो यहाँ बारिश होने की संभावना है पूरी पूरी, तो प्लीज बारिश न मिले वरना प्लान कैंसिल हो जाएगा। बहुत मज़ा आता है यार, मतलब कि नैनीताल वाले रोड पे चढ़ान पे एक ही टर्न टर्न बाय टर्न जो है बहुत अच्छा लगता है बाइक चलाना। और ऊपर से यार जो रोड है यहाँ की बहुत ही अच्छी रोड है, ऐसा नहीं कि यार यहाँ पे गड्ढे हैं लाइक अपना उत्तर प्रदेश में जहाँ की जितनी गड्ढे हैं, उत्तराखंड ही अच्छा लगता है यार। इतनी यहाँ की हरियाली, दूसरा यहाँ का रोड भाई मज़े आ रहे हैं टिकट वाले। और ये मेरे लेफ्ट में देखो कितना बढ़िया पहाड़ है यार, और सामने देखो जो मैं पहाड़ आपको दिखा रहा था वो यहाँ आ गया सामने अपने। और ये देखो मतलब बादल बिल्कुल मेरे आंखों के सामने है, आई डोंट नो आपको दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा बट बहुत क्लोज है यार, ऐसा लग रहा मतलब कि लाइक दो या तीन मंजिल ऊपर होगा ये पहाड़। देखो बिल्कुल पहाड़ से चिपके हो नीचे आ गए भाई, बिल्कुल नीचे है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है भाई और इंजॉय कर रहे हैं भाई। अगर भाई बाइकर हो, अगर बाइकर मेरी वीडियो देख रहे हो और जहाँ तक सभी बाइकर नहीं आता आ चुके हैं, बच्चे नहीं आए हैं और आने की सोच रहे भाई बिल्कुल आओ, बिल्कुल आओ, बोला हैवन है मेरे भाई, हैवन है, जिंदा हैवन। और ये पानी पहाड़ से ही आ रहा है यार, देखो यार कितना अच्छा नज़ारा यार, मतलब अगर तुम नैनीताल नहीं आए बाइकर्स हो गए तो भाई कहाँ गए तुम, भाई बाइकर्स नहीं हो बेकार तुम्हारा बाइकर होना। तो एक और स्टॉपेज लिया है हमने यहाँ पे ताकि व्यू मैं आप सभी को दिखा सकूँ, बहुत ही प्यारा व्यू है सामने से अज्जा। तो ये देखो दिखाता हूँ, ये देखो जो सामने आप देख रहे हो ना वो प्लेन एरिया है, बिल्कुल प्लेन, और वहाँ पर धूप इतनी गजब निकली है, क्या होता है यहाँ पे देखो पहाड़ी पहाड़ में बर्फ ही बर्फ है, और ऊपर देखो इतना गंदा बादल हो रहा है ब्लैक कलर का। और भाई अपनी गंदी सी शक्ल हटा लो यहाँ से, कैमरे में आ रही है। तो भाई हम लोग आ चुके हैं कैची धाम, और मेरे फ़ोन मेरे कैमरे की बैटरी ख़त्म हो गई तो मैं फ़ोन से शूट कर रहा हूँ अभी। एक्चुअली यहाँ पे मैं अंदर नहीं ले जा सकता, सॉरी फॉर नॉइस, एक्चुअली मैं अंदर नहीं ले जा सकता, कैमरा क्या फ़ोन अलाउ नहीं यहाँ पे, फ़ोन कैमरा या कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ अलाउ नहीं है अंदर, तो इसलिए मैं यहाँ बस बाहर से दिखा सकता हूँ आपको। यह है मंदिर और इसके अंदर है कैची धाम वाले बाबा, तो आना हो तो ज़रूर विज़िट करें, बहुत ही स्पिरिचुअल प्लेस है। तो ऑब्वियस वीडियो को करते हैं यही एंड, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर, सब्सक्राइब भी कर दे चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए टाटा बाबा, टेक केयर।